No, no. Momo Sultan stage in this country. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात, क्या बात। इया कर लो लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। इधर देखो सारे सामने जिंदाबाद, वीर साहब जिंदाबाद, वीर साहब जिंदाबाद, एके भाजपाई साहब जिंदाबाद, एके भाजपाई साहब जिंदाबाद, त्याग साहब जिंदाबाद, त्याग साहब जिंदाबाद, त्याग साहब जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। मैं कश्मीर डिवीजन से हूँ, मैं लोक जनशक्ति पार्टी में इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मैं पासवान साहब ने जो काम जम्मू कश्मीर के लिए किए हैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ हूं। चाहे वो इस वक्त रेल चलती है कश्मीर में या जम्मू में, वो पासवान साहब की देन है। स्टील प्लांट उन्होंने पुलवामा में दिया है, वो भी पासवान साहब की देन है। कम्युनिकेशन का मसला है, वो भी पासवान साहब का दिया हुआ है। फूड सप्लाईज़ का मसला है, वो भी पासवान साहब का दिया हुआ है। पासवान साहब को जम्मू कश्मीर के लोगों के की बड़ी फिक्र थी। जम्मू कश्मीर में जो हालात इस वक्त है वो बीजेपी की देन है। इस वक्त जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं वो उसकी जिम्मेदारी सारी मैं बीजेपी पर आयद कर रहा हूँ। पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, इन्होंने लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए। वाहिद एक पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकाल सकती है, वो लोक जनशक्ति पार्टी है। और हमें, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों, बुज़ुर्गों, माओं, बहनों से अपील करता हूं कि वो जोक दर जोक आए और लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। मैं बाबर मुगल भद्रवा से, मुझे स्पेशली यहां पे स्पोर्ट्स सेल में यानी कि प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं चाहता हूं कि यहां पे जो आज तक टैलेंट दबाया गया, जो लड़के बाहर नहीं आते हैं उनको हम चाहते हैं कि आगे लाएं। और पासवान जी का एक हिस्ट्री बनी है उनकी, एक कि जब से इंदिरा गांधी जी, मोहतरमा इंदिरा गांधी जी मिनिस्टर रहे यानी कि पीएम रहे, तब से आज तक पासवान जी ने नहीं हारा। यानी कि वो कंटिन्यूसली एक अच्छा काम करते रहे, सब लोग उनको साथ देते रहे। तो साथ में उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान, तो उनको देख के हमने टीम ज्वाइन की है। उनने कहा जो भी जिनका टैलेंट दबाया गया उनको आप सामने लाओ, हम उनको चांस देंगे। तो मैं यही चाहता हूँ, यही मैसेज आना चाहता हूँ यूथ को कि आओ जोग दर जोग हमारे लोक जनशक्ति पार्टी में। आपको यहाँ पे सब इंशाल्लाह आपका जो टैलेंट है वो हम वहाँ तक पहुँचाएँगे, यही काम रहेगा हमारा। थैंक यू। आज यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया और हमारे पुराने साथी थे यहाँ पे, जो लोक जनशक्ति पार्टी 2007 में हमारे साथ चलते रहे आए, उनके घर की वापसी भी हुई यहाँ पे। आए हम यहाँ पे वेलकम करते हैं उनका। अमीन जी को बनाया है हमने, पूरे कश्मीर का प्रेसिडेंट बनाया है यहाँ पे, और यहाँ जनरल सेक्रेटरी बनाया है SC ST का अपने भाई जी मोहम्मद हुसैन जी को बनाया जनरल सेक्रेटरी। काफ़ी लोगों ने इनके साथ ज्वाइन किया, आई बड़ा अच्छा लगा। हमारी पार्टी ने पूरी ने वेलकम इनका किया यहाँ पे। यहाँ पे आपने देखा कि बेरोज़गारी जो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, कितनी बेरोज़गारी नौजवान यूथ है। 2014 के बाद मुझे लग रहा है किसी को नौकरी नहीं मिली है, कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। आज किसी दुकान पे किसी के पास नौकरी नहीं है, क्योंकि दुकानदार का काम नहीं रहा, किसी फैक्ट्री वाले का काम नहीं रहा। हर आदमी बेरोज़गार बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम यही लिहाजा सरकार से लिहाजा यही डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाई जाए कि जिससे हमारे हालात जम्मू कश्मीर के ठीक हो सकते हैं। जैसे आपने देखा पिछले स्टेट बीमारी ख़त्म कर दी, 370 दफ़ा साहब के 35 है। ऐसा सिस्टम जहाँ जम्मू कश्मीर में किया गया जो आज तक किसी स्टेट में नहीं किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी स्टेट को वापस लाया जाए। एक तो हमारी इलेक्शन जल्द से जल्द इलेक्शन करवानी चाहिए, उसका हम बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी पार्टी कर रही है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, कोई सुनाई नहीं किसी की हो रही है। तो लिहाजा हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होनी चाहिए।